नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन गुरु जी में। मैं आपका दोस्त कमलेश गुप्ता। लेट्स डू इट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मजदूर की जिसने शून्य से लेकर 1600 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया। इस व्यक्ति ने साबित कर दिया कि अगर लगन है, हिम्मत है और जुनून है तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, उसको आसानी से हम अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। 16 साल के इस बच्चे के पास अपने दोस्तों द्वारा दिया गया सुझाव कि मुंबई जाकर काम ढूंढो के अलावा कुछ नहीं था। जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं थी, पेट में दाना नहीं था, सोने के लिए मुंबई का दादा रेलवे स्टेशन था। उससे ज़्यादा तकलीफ इसको इस बात से थी कि इसके बड़े भाई और पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ये हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से संबंध रखने वाले SD एल्युमिनियम कंपनी के मालिक सुदीप दत्ता के बारे में। इनके पिता जो कि फौजी थे, 1971 की लड़ाई में गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। बड़े भाई की मृत्यु इलाज न होने की वजह से हो गई थी। घर में 4 बड़े भाई बहनों का बोझ इनके ऊपर आ गया था। इनके दोस्तों का सुझाव उस समय सही साबित हुआ जब इनको मुंबई में 15 रुपए की नौकरी और सोने के लिए एक कमरा मिला जिसमें 20 मजदूर ऐसे सोते थे जो करवट भी नहीं बदल सकते थे। यह बच्चा सुदीप दत्त मीरा रोड स्थित अपने घर से जागेश्वरी स्थित फैक्ट्री तक और वापस अपने घर आने तक प्रतिदिन 40 किलोमीटर चलता था। अपनी तकलीफ भरी ज़िंदगी में उसकी यही उपलब्धि थी कि अपने बचाए हुए पैसे अपनी माँ को भेज पाता था, जिससे उसके माँ आराम से खर्चे चला सके, बाकी भाइयों बहनों का पेट पाल सके। 2 साल की कठिन मेहनत के बाद कुछ पैसे बचाए थे। उस टाइम कंपनी का बुरा दौर आया, कंपनी घाटे में चल रही थी। कंपनी मालिक फैक्ट्री को बेच रहा था। सुदीप दत्त ने हिम्मत करके फैक्ट्री मालिक से बात की कि फैक्ट्री मैं चलाऊँगा। अपने पैसे, कुछ बचाए हुए पैसे और दोस्त से मांग के 16,000 रुपये फैक्ट्री मालिक को दिया और 2 साल का फायदा बांटने का वादा करके फैक्ट्री का मालिक बन गया। यह सुदीप कल तक जो मजदूर था उस कंपनी में आज कंपनी का मालिक हो गया। इस 19 साल के लड़के के सर के ऊपर जो कल तक खुद अपना पेट नहीं पाल पा रहा था, उसके ऊपर बाकी मजदूरों, 7 मजदूर और उनके परिवारों का पालन भी सर पे आ गया। फैक्ट्री के मालिकों से बात करते रहते थे, उन्हें अपने उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में समझाते रहते थे, साथ में छोटी कंपनियों से ऑर्डर लेते रहते थे जिसके सारे भी कंपनी ग्रोथ करती रहती। बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से मिलने के लिए सुदीप दत्त घंटों इंतजार करते थे। अंततः उनकी मेहनत और संभाषण कौशल क्षमता ने रंग लाया और उन्हें सन फार्मा, सिप्ला और नेस्ले ऐसी बड़ी कंपनियों से छोटे छोटे ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अभी सुदीप दत्ता जी ने खाई था सफलता का स्वाद चखा ही था कि उन्हें आने वाली चुनौतियों का अंदेशा नहीं था। अनिल अग्रवाल जैसे नामी लोग इंडिया फॉयल को कंपनी खरीद कर एल्युमिनियम इंडस्ट्री में पैकेजिंग के क्षेत्र में कदम रखा। उस टाइम के अनिल अग्रवाल और वेदांता ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी के सामने सुदीप दत्ता की टिक पाना आसान काम, नामुमकिन सा लक्ष्य था। लेकिन इसकी परवाह किए बिना सुदीप दत्ता अपने प्रोडक्ट की जो नयापन था, जो उसका क्वालिटी थी और ग्राहकों से, कस्टमर से अपने बेहतर संबंध की वजह से मार्केट में डटे रहे। अंततः वेदांता ग्रुप को इनके सामने घुटने टेकने पड़े और अपनी इंडियन फॉयल कंपनी को इनको बेच के जाना पड़ा। इसके साथ ही वेदांता ग्रुप इंडियन जो पैकेजिंग इंडस्ट्री से हमेशा के लिए विदा हो गया। इसके उपलब्धि के बाद सुदीप दत्त ने अपनी प्रोडक्शन क्षमता को और बढ़ाया, बीमार कंपनियों को खरीद के उसे अपना प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाते रहे। इंडियन एल्युमिनियम डिस्ट्रीब्यूटर के बनकर बहुत फ़ायदा कमाया। 1998 से लेकर 2000 के बीच में 20 प्रोडक्शन यूनिट अपने स्थापित किए। सुदीप दत्त की कंपनी SD एल्युमिनियम कंपनी फार्मा कंपनी के बीच में बहुत प्रचलित थे। इसके साथ ही कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE पर भी सूचित है। सुदीप दत्त की कंपनी का मार्केट कैप 1600 करोड़ से ज़्यादा है और ये अपने क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। इन्हें पैकेजिंग इंडस्ट्री का नारायण मूर्ति भी कहा जाता है। सुदीप दत्त अपने विशालकाय साम्राज्य को चलाने के लिए कांदीवली स्थित अपने ऑफिस से पूरा साम्राज्य चलाते हैं। उनका ऑफिस आज के टाइम भी उस टाइम जब 10 लोग रहते थे उससे कई गुना बड़ा है। मिलो चंद पैसे बचाने के लिए पैदल चलने वाले सुदीप दत्ता के पास आज मर्सिडीज, BMW जैसी नामी गाड़ियां हैं। जीवन में इतना कुछ हासिल करने के बाद भी सुदीप दत्ता आज भी अपनी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। उनके फैक्ट्री के मजदूर आज भी उन्हें दादा कह के बुलाते हैं। दोस्तों, सुदीप दत्त के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितनी भी कठिन परिस्थिति आए हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपने लक्ष्य पर हमेशा डिगे रहना चाहिए। मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी, जो हम हैं टिके रहेंगे तो सफलता हमको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आने के आप एक लाइक तो बनता है
और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए, फिर मिलते हैं हम आपको एक नए सॉल्यूशन के बारे में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।